बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो फिज़िक्स के ऊपर है, यूनिट 4 एंड 9 क्लास का, टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 8 करना है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो है वो इस की जो एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 4 के, इसके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं आज की वीडियो में मैं सारे करवाऊँगा, इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो है वो कम्प्लीट देखनी है। तो सबसे पहले देखें, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिट 4 की जो एक्सरसाइजेज है, 4.1 क्वेश्चन नंबर 4.1 जो क्वेश्चन उसके अंदर पूछ रहे हैं, इन सर्कल्स द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। अब हमको कुछ चॉइसेस दे रहा है और उसमें से कह रहा है कि जो करेक्ट आंसर होगा उसको आपने क्या करना है, इन सर्कल करना है। तो सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 देख लें। हमारे पास जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर उसमें आपसे पूछ रहा है, टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूसेस। अब वो कह रहा है कि दो फोर्सेज हैं जो आपस में इक्वल हैं, लेकिन अनलाइक होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में है। इक्वल तो हैं लेकिन क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, ठीक है, अगेंस्ट डायरेक्शन में है। तो और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी क्या है, डिफरेंट है। और वो इस तरह की जो फोर्सेज होंगी वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करेंगी। ऑप्शन ए में वो आपको कह रहा है कि अ टॉर्क, बी में वो आपको कह रहा है अ कपल, सी में वो आपको कह रहा है इक्विलिब्रियम, डी में वो आपसे कह रहा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो देखिए, मेरा लेक्चर नंबर जो 5 है इसी यूनिट का, यूनिट नंबर 4 के अंदर जो मेरा लेक्चर नंबर 5 है उसके अंदर मैंने जो है वो आप लोगों को जो है वो एक कंसेप्ट पढ़ाया था, जिसके अंदर हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं उसकी जो स्टेयरिंग व्हील होता है उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, दो डिफरेंट फोर्सेज लगा रहे होते हैं। जैसे कि पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, फोर्स F1 है और F2 है हमारे, ठीक है। एक हमारा हाथ जो हमने यहाँ पे रखा होता है, एक हमारा हाथ जो हमने यहाँ पे रखा होता है। F1 की डायरेक्शन देखें तो ऊपर की तरफ है, F2 की डायरेक्शन देखें तो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जो होती हैं ये इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ होती हैं, लेकिन ये अनलाइक होती हैं, ठीक है। और इनका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इस तरह की जो कंडीशन हो रही होती है हमारी गाड़ियों की, उसमें अगर हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कपल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और कपल जो बेसिकली प्रोड्यूस होता है वो कब होता है, जब दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेज किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही हों, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कपल वो जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। कपल तब प्रोड्यूस होता है जब अनलाइक पैरेलल फोर्सेज होती हैं, उसके अलावा सेम मैग्नीट्यूड होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो सेम स्टेटमेंट उसने जो हमको बोली है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये वाली स्टेटमेंट जो है वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगी, वो टार्क जो है सॉरी वो कपल प्रोड्यूस करेगी। हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, ठीक है। तो आपने बी के ऊपर जो है वो टिक लगानी है, कपल प्रोड्यूस करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो पार्ट नंबर सेकंड है इसका, वो कर लेते हैं। उसमें वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल आर, कितनी फोर्सेस हम हेड टू टेल रूल के जरिए जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन ए में वो आपको कह रहा है 2, बी में वो आपको कह रहा है 3, सी में वो आपको कह रहा है 4, डी में वो आपसे कह रहा है एनी नंबर, ठीक है। तो ये मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर हेड टू टेल रूल जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन किया। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, हमारे पास F1 है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये हमारे पास जो है F2 है अलॉन्ग 45 डिग्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास जो है F3 है अलॉन्ग वाई एक्सिस। इनको हमने ऐड करना है फॉर एग्जांपल हेड टू टेल रूल। तो इसमें क्या होता था, हमारे पास ये इसका जो है वो हेड है, इसका हेड पहली वाली फोर्स का हेड, दूसरी वाली जो फोर्स है उसका टेल जो आपस में हम लोग मिला देते थे। इसी तरह जो दूसरी फोर्स का हेड है वो तीसरी वाली टेल के साथ मिल जाता है। इस तरह अगर और फोर्सेज हैं तो वो सेम कंसेप्ट के साथ आगे मिलती जाएंगी। जितनी मर्जी फोर्सेज होंगी हमारे पास, उनको हम हेड टू टेल रूल जो है ऐसे ही जो है वो अटैच करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि दो ही हों, तीन ही हों, चार ही हों, जितनी भी फोर्सेस गिवन होंगी हमको, हम हेड टू टेल रूल जो है वो इनको आपस में ऐड अप कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एनी नंबर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो करेक्ट आंसर होगा, एनी नंबर कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। अब इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है, उसमें वो आपसे पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्सेज आर, जो हमारे पास फोर्सेज होती हैं उनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कितने होते हैं। ऑप्शन में दे रहा है वो आपको 1, बी में वो आपको कह रहा है 2, सी में वो आपसे कह रहा है 3, डी में वो आपसे कह रहा है 4। अब देखिए हमारे पास ये क्या होता है, Fx हमारा जो कंपोनेंट होता है जो हॉरिजेंटल होता है, इसके अलावा हमारे पास जो होता है ये Fy कंपोनेंट होता है जो वर्टिकल होता है, ठीक है। हमारी जो फोर्सेज होती हैं उनके अंदर कितने टाइप्स के होते हैं, दो, हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं। हॉरिजेंटल को Fx बोलते हैं और जो वर्टिकल्स होते हैं उनको Fy बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ क्या कि नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फोर्सेज के अंदर कितने होंगे, दो होंगे, Fx और Fy। तो इसका आंसर होगा बी पार्ट जो है इसका, 2 जो है वो कंपोनेंट्स होंगे। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास, तो इसका पार्ट नंबर 4 है, उसमें वो आपसे पूछ रहे हैं अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, इट्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल बी। आपको अब कह रहा है कि एक फोर्स है जिसकी 10 न्यूटन फोर्स है और वो लग रही है हॉरिजेंटल के साथ, उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। हॉरिजेंटल के साथ मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के साथ उसने जो है वो 30 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, और वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस ही आपने जो है वो फाइंड करना है आपने, ठीक है। और फोर्स कितनी है, 10 न्यूटन की। तो इसमें ऑप्शन ए में वो कह रहा है 4 न्यूटन, बी में वो आपको कह रहा है 5 न्यूटन, सी में वो आपसे कह रहा है 7 न्यूटन, और डी में वो आपसे कह रहा है 8.7 न्यूटन।
मेरा यूनिट नंबर 4, इसी यूनिट का जो लेक्चर नंबर 2 है उसके अंदर मैंने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज जो है वो पढ़ाई हुई है। वहाँ के अंदर वहाँ पे मैंने सारे फार्मूले जो है वो बताए हुए हैं कि फोर्सेज जो है वो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं फोर्सेज के, उनको कैसे फाइंड किया जा सकता है। अब देखें हमारे पास ये है ओ है, ये मेरे पास जो एक फोर्स है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल फोर्स होती है। और ये जो हमारे पास एफ फोर्स है वाई, ये उसने हमको दी हुई है 10 न्यूटन की, ठीक है। ये हमारे पास थीटा होता है और ये हमारे पास जो होता है ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है जिसको एफ वाई बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल होगी वो क्या होगी? एफ एक्स। और ये मेरे पास जो वर्टिकल होगी वो क्या होगी? एफ वाई कंपोनेंट हो गया, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको जो है वो एफ एक्स बोलते हैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसको एफ वाई बोलते हैं। ये वाई एक्सेस के ऊपर होती है, ये एक्स एक्सेस के ऊपर होती है। ये फोर्स उसने आपको दी हुई है 10 न्यूटन की फोर्स है और ये एंगल भी उसने आपको दे दिया हुआ है, कितना है वो? 30 डिग्री है। अब देखें हमारे पास ये हमने पढ़ा था कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय हाइट। अब देखें हमारे पास ये चीज उसने हमको दे दिया 10 न्यूटन, बेसिकली उसने हमको क्या दिया? हाइपोटेन्यूस उसने दे दिया 10 न्यूटन। ये जो बेस है हॉरिजॉन्टल वो कह रहा है कंपोनेंट फाइंड करना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का क्या मतलब होता है? एफ एक्स हमने फाइंड करना है। ये फोर्स का वाई कंपोनेंट है, ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वाला, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। और ये फोर्स उसने ऑलरेडी दे दिया जो 30 डिग्री बना रही है इस हॉरिजॉन्टल के साथ। उसने कहा है ये फोर्स 30 डिग्री बना रही है इस हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास कॉस थीटा होता है इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइट, ये हमने फाइंड करनी है, ये हमको गिवन है तो हम जो है आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास जो कॉस थीटा है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस मेरे पास क्या है? एफ एक्स। और हाइट मेरे पास क्या है? एफ। मैंने फाइंड करना है एफ एक्स जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। एफ जो है दूसरी तरफ जाकर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सिंपल मैं क्या करूंगा? एफ एक्स इज इक्वल टू फोर्स की जगह पर 10 लगाऊंगा और कॉस थीटा की जगह पर मैं 30 लगाऊंगा क्योंकि 30 डिग्री का थीटा है। अब मेरे पास देखें तो एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 8.7। अब कॉस 30 अगर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे, ठीक है, और उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है 8.7 आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, 8.7 न्यूटन। आपने इस तरीके से जो है वो निकालना है। अब इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो पार्ट नंबर 5 है इसका, उसमें वैसे पूछ रहे हैं अ कपल इज फॉर्म्ड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि जो कपल होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है। ऑप्शन ए में वो आपसे पूछ रहे हैं टू फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑप्शन बी में वो आपको कह रहा है टू लाइक पैरेलल फोर्सेस। सी में वो आपसे कह रहा है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इन द सेम लाइन। ऑप्शन डी में वो आपसे कह रहा है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। अब देखिए मैंने जो है ऑलरेडी लेक्चर नंबर 5 है उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कपल कैसे जो है वो फॉर्म्ड होता है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, और वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में भी नहीं होनी। जो मैंने अभी वो बनाया था ना आपको, जो स्टीयरिंग व्हील बना के दिया था, उसमें सेम लाइन ऑफ एक्शन भी नहीं था। इसमें देखें हमारे पास टू फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर वो थी नहीं, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस नहीं, अनलाइक होती हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इन द सेम लाइन में नहीं होती, वो नॉट इन द सेम लाइन होती हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन जो डी है इसका सिर्फ वो करेक्ट है, टू इक्वल होती हैं, अपोजिट होती हैं, लेकिन सेम लाइन ऑफ एक्शन उनका नहीं होता। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चले हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 6 है उसमें आपसे पूछ रहा है अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स। वो कह रहा है कि बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होगी? व्हेन इट्स, उसकी क्या चीज़? इट्स मतलब ऑप्शन ए में वो कह रहा है एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, जब उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो वो इक्विलिब्रियम में होगी। बी में आपसे कह रहा है स्पीड इज यूनिफॉर्म। सी में वो आपको कह रहा है स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म। डी में वो आपसे कह रहा है एक्सेलरेशन इज जीरो। इनमें से क्या चीज़ होगी? तो एक बॉडी जो है वो क्या होगी? इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगी। अब देखिए मेरा लेक्चर नंबर जो 6 है इसी यूनिट का, उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाई थी, दो कंडीशन पढ़ाई थी, उसमें से जो पहली कंडीशन थी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। उसमें से जो पहली कंडीशन थी इक्विलिब्रियम की, उसमें क्या था कि जो रिजल्टेंट होता है जितनी भी फोर्सेज एक ऑब्जेक्ट या बॉडी के ऊपर लग रही होती हैं उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है? शुड बी इक्वल टू जीरो। मतलब हमारे पास सिग्मा एफ जो आता है वो इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हों उनको अगर ऐड अप करें, उनको हम ऐड करें, तो हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो आना चाहिए अगर वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में हो। अगर इक्विलिब्रियम को हमने डिफाइन करना है, अचीव करना है, तो एफ सिग्मा एफ जो है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। अब देखें हमारे पास जो एफ होती है वो इक्वल टू क्या होती है? मैस इंटू एक्सेलरेशन। एफ इज इक्वल टू होता है एम ए। इसका मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का मैस तो जीरो नहीं हो सकता, तो फिर क्या चीज़ जीरो होगी? उसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा, तभी जो जो है वो हमारे पास सिग्मा एफ जो है इक्वल टू जीरो आने के चांसेस है। मतलब फोर्स जीरो कब होगी? जब उसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा, ठीक है। तो उसका क्या मतलब हो गया कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जो कंडीशन हमारी इक्विलिब्रियम की, जिसमें रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा? जीरो होगा, तो एक बॉडी जो हमारी इक्विलिब्रियम में होगी। पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसका
उसमें वो आपसे पूछ रहा है पार्ट नंबर हमारा जो 7 है उसमें पूछ रहा है अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब वो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है एक बॉडी जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कब होगी जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होना चाहिए। ए में वो आपसे कह रहा है इज एट इट्स हाईएस्ट पोजिशन, बी में वो आपसे कह रहा है इज एट द लोएस्ट पोजिशन, सी में वो आपसे कह रहा है कीप्स इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड, डी में वो आपसे कह रहा है इज सिचुएटेड एट इट्स बॉटम। अब आपको वो चार ऑप्शन दे रहे हैं और कह रहा है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है। तो मेरा जो लेक्चर नंबर 7 है उसके अंदर मैंने ब्रीफली जो है ये एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो इसमें देखें हमारे पास ये एक टेबल है, फॉर एग्जांपल इस टेबल के ऊपर ये हम मैंने एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है। अब ये बॉल के मिडल में क्या है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मैं इस बॉल को क्या करता हूँ, एक साइड से जो है वो पुश करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट साइड से इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करता हूँ और इसको मूव करवाता हूँ टुवर्ड्स राइट साइड पे, ये बॉल यहाँ पे चला जाता है। अब देखें तो थोड़ी देर के बाद अगर फॉर एग्जांपल बॉल मजीद आगे नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाता है, अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहाँ पे है। जितनी भी कंडीशन है, जितनी भी मैंने वो जगह चेंज की है उसकी, उसने जितनी भी जगह अपनी चेंज की है, जितनी भी जगह वो डिस्प्लेस हुआ है, उसकी जो हाइट है, ठीक है, उस मेन पॉइंट से ये जो जगह है ना इस टेबल से उसकी जो हाइट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वो क्या रही है, सेम रही है, वो चेंज नहीं हुई। इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यहाँ पे कि बॉडी सेट टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट रिमेन्स इन अ न्यू पोजीशन आफ्टर अ स्लाइट डिस्टर्ब एंड डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। जैसे हम उसको अपनी पोजीशन से चेंज करके दूसरी पोजीशन में ट्रांसफर करेंगे, लेके जाएंगे, तो वो क्या करेगी, अपनी पहली वाली पोजीशन ही बरकरार रखेगी, मतलब सेम पोजीशन में ही रहेगी ऑलमोस्ट, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें उसकी हाइट क्या है, सेम है, इसमें हाइट क्या है उसकी सेम है, इसमें हाइट क्या है उसकी सेम है। तो इसका मतलब है कि जो उसका सी ऑप्शन है, ठीक है, वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट जो है सब कंडीशन में वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है उसके अंदर जो हाइट होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वो क्या रहती है, सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, चाहे उसकी जगह जो हम चेंज भी कर दें। तो अब इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर हमारे पास जो है 8 है, उसमें वो आपसे पूछ रहा है रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल, स्टेबल करने के लिए उनको क्या किया जाता है, रेसिंग कार्स होती हैं उनको स्टेबल बनाने के लिए क्या किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन ए में वो कह रहा है इंक्रीजिंग देयर स्पीड, बी में वो आपके कह रहा है डिक्रीजिंग देयर मास, सी में वो आपसे कह रहा है लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डी में वो आपसे कह रहा है डिक्रीजिंग देयर विथ। अब इसमें से क्या करना चाहिए कि हमारी जो रेसिंग कार्स हैं वो स्टेबल हो जाएं, वो मतलब उनके जो क्रैश होने के चांसेज हैं वो कम हो जाएं। ये मैंने लेक्चर नंबर 7 के अंदर आप लोगों को पढ़ाया हुआ था स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर, जो हमारी पहली कंडीशन थी, पहली जो टाइप्स थी वो क्या आती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखें ये टेबल है हमारे पास, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अब ये देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या कर रहा है, उसकी बेस में से पास हो रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में है। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है ना, ये बिल्कुल नीचे की तरफ ही एक्ट करती है, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन, ये जो बेस लाइन होती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसके अंदर से मूव करनी चाहिए, उसके अंदर से मूव करेगी तो वो क्या रहेगा, अपनी वापस जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि इक्विलिब्रियम में ही है। अब इसको मैं ऐसे डिस्प्लेस कर देता हूँ, अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, अब भी ये लाइन क्या कर रही है, इस बेस लाइन के अंदर से गुजर रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ रिटर्न कर जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास इस कंडीशन में अगर मैं ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, अब इसकी जो लाइन है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर से नहीं मूव हो रही, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटर्न नहीं करेगा। अब अगर गाड़ी फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में गाड़ी टर्न करते हुए इस सिचुएशन में आ जाएगी तो वो क्या करेगी, वो गाड़ी उलट जाएगी। तो इसका क्या मतलब, वो हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास दो तीन ऑप्शन आ सकते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास आ सकता है कि ये जो उसका बेस है, जो गाड़ी के नीचे जो बेस है उसकी विड्थ है, उसको क्या कर दिया जाए, उसको ज़्यादा लंबा कर दिया जाए। उसको ज़्यादा लंबा कर देंगे तो हमारे पास जो है ना ये ज़्यादा स्पेस होगी, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर गाड़ी टर्न भी कर जाती है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके अंदर से पास हो रही होगी, गाड़ी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। लेकिन दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होता है इसको नीचे लेके आ जाए। अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट यहाँ की जगह के बजाय यहाँ पे होता, फॉर एग्जाम्पल नीचे की तरफ होता, ये यहाँ पे होता मिडल में, ठीक है, यहाँ पे होता ये, ठीक है, तो ये इसके अंदर से पास, स्टिल इसके अंदर से पास हो जाना था, ठीक है। तो गाड़ी क्या करनी थी, वो जो उसने गाड़ी ने उल्टना था वो उल्टती नहीं। तो इसका मतलब है कि इस गिवन ऑप्शन में हमारे पास देखें इंक्रीजिंग देयर स्पीड, स्पीड इंक्रीज करने से गाड़ी जो है वो स्टेबल नहीं होती, वो डेंजरस हो जाती है ज़्यादा। तो डिक्रीजिंग देयर मास, मास भी डिक्रीज करने से ऊपर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या कम मास कर देंगे तो गाड़ी उल्टेगी नहीं, गाड़ी ऑफकोर्स उल्टेगी बल्कि ज़्यादा उल्टेगी। अब ये जो है हमारे पास
ये डिक्रीजिंग देयर विर्थ, इससे गाड़ी ज़्यादा उलटेगी। मतलब इसका अगर आप ये बेस थोड़ी और कम कर दें, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन में ही शायद गाड़ी जो है वो उलट जाए, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ये देखें, लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट को नीचे ले आ जाएँ, पॉइंट यहाँ पे नीचे लेके आ जाएँ, मिडल में यहाँ पे बिल्कुल उसकी जो है उसकी बेस लाइन के बिल्कुल पास लेके आ जाएँ, तो फिर गाड़ी जो है वो चाहे जितना मर्जी इतने स्लाइड कर जाए तो उसके चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, गिरने के, उलटने के। तो इसका मतलब है कि जो रेसिंग कार्स होती हैं, ठीक है, उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो नीचे की तरफ होता है, बेस लाइन के बिल्कुल जो है वो पास होता है, ताकि वो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है वो उसके अंदर से गुजरे। जैसे ही वो टर्न लें तो स्टिल जो है उनके पास जो है काफ़ी स्पेस हो, उसके अंदर से ही वो लाइन जो है वो गुजरे और वो जो है अपनी ओरिजिनल पोजिशन के ऊपर वापस आ जाए, ना कि उलट जाए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, सी ऑप्शन होगा इसका, कि लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, उनको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बिल्कुल उनकी बेस लाइन के पास रखा जाता है, ताकि वो जितना मर्जी टर्न ले लें तो ऐसा ना हो कि वो उलट जाएं, ठीक है, उनके उलटने से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।